हेलो बच्चों, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? स्टेट ऑफ मैटर। और लास्ट लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था? हम जो टॉपिक था वो कौन सा था? ट्रांसफर ऑफ स्टेट फ्रॉम वन टू अनदर। और उसमें हमने क्या की थी, कुछ टर्म डिस्कस की थी और कुछ पेंडिंग रह गई थी। लास्ट वाला लेक्चर मैंने आपको इवेपोरेशन डिस्कस किया था। तो बच्चों, उसके बाद जो आज हम बात करें, आज क्या है, आज जो हमारी टर्म बचती है बच्चे, वो है लेटेंट। एक टर्म है बच्चे लेटेंट। अब बच्चे, जो लेटेंट हीट है ये क्या होती है? तो बच्चे, जो लेटेंट हीट है इसको कैसे समझेंगे कि लेटेंट हीट क्या है? तो जो लेटेंट हीट का मतलब होता है, जैसे कि हमारे पास कोई ये बीकर है, बीकर के अंदर कोई वाटर है, सपोज करो वाटर है, एक यहां थर्मामीटर लगा हुआ, बच्चे हमने क्या किया इसको, ये क्या है फ्लेम, ठीक है, इसको हमने फ्लेम देनी स्टार्ट की। अब बच्चे, फ्लेम क्या करेगी, इसको हीट देगी। अब क्या होगा, अब अगर मैं बात करता हूं इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि अभी ये हीट देनी स्टार्ट नहीं की है, जो यहाँ इनिशियल टेम्परेचर है, यानी कि जो हमने पहले नोट किया इनिशियल मतलब, बच्चे हमने ये रखा सेटअप टेम्परेचर नोट किया। अब मान लो हमने वाटर का टेम्परेचर नोट किया, वो कितना आया, वो बच्चे स्पोज करवाया 30 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया, इसको फ्लेम देनी स्टार्ट की और टेम्परेचर देख रहे हैं। टेम्परेचर क्या है, सपोज करो मान लो ये 30 डिग्री पे है, जैसे जैसे हीट दे रहे टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हीट दे रहे टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। जैसे जैसे हीट देते जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब बच्चे क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा पॉइंट आया, जैसे मैं बात करूं एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो बच्चे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया, यहां क्या हुआ, यहां हम हीट तो दे रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे 100 से पहले, जैसे मान लो 30 था, 30 से 35, 40 ये बढ़ रहा था और हम इसको क्या दे रहे थे, ये हीट को कंज्यूम कर रहा था और टेम्परेचर को राइज कर रहा था। अब जब 100 डिग्री आया, टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर ये ही रहा, टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं बढ़ा और हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, जबकि हीट को ये क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, हीट को कंज्यूम कर रहा है और टेम्परेचर कितना है 100 से ऊपर नहीं बढ़ रहा। तो बच्चे 100 डिग्री पे क्या हुआ, यहां पर हम हीट की सप्लाई दे रहे थे, टेम्परेचर बढ़ रहा था, हमें पता है हम इसको हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी 100 डिग्री पे है, हम हीट तो दे रहे हैं बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब वो हीट गई कहां, क्या हमें वो हीट नजर आई, यहां तो हमें दिख रहा था, जैसे हम हीट दे रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, हीट दे रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, तो हमें पता है हीट अपना काम कर रही है। जब 100 डिग्री है तब क्या हुआ, हम हीट तो दे रहे हैं बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब हीट कहां गई, कहीं छुप गई, कोई काम तो कर ही नहीं रही। तो बच्चे जो वो हीट, जो हीट है यानी जो 100 डिग्री वाली हीट है जो टेम्परेचर को राइज नहीं कर रही, उस हीट को क्या कहते हैं बच्चों, लेटेंट हीट। उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। यानी कि क्या कर रही है, जहां पर क्या हुआ, जो इसकी स्टेट है वो चेंज हो रही है, यानी कि 100 डिग्री पे क्या होगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, जो हमारे पास लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। यानी कि जो लेटेंट हीट है वो क्या होती है, जो एक फेज है सब्सटेंस की उसको दूसरे में कन्वर्ट करती है, यानी वो टेम्परेचर राइज ना करके उसको एक स्टेज को दूसरे में कन्वर्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, लेटेंट हीट। जो ये हीट क्या है, ये वाली हीट है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका टॉपिक लेटेंट हीट। अब इसके टाइप्स भी आते हैं कि इसके दो टाइप्स होते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या है, अगर मैं यहाँ बात करूँ लेटेंट हीट की, एक्चुअल में क्या होगा, तो बच्चे हम बात करते हैं लेटेंट हीट, मैं यहाँ लिख देता हूँ लेटेंट हीट इज दी हिडन हीट, इसको बच्चे हम छुपी हुई हीट कहते हैं, हिडन हीट, when
सप्लाई हीट टू ए सब्सटेंस एक्स नेवर राइज never rise temperature but state is transform one to another. ये होता है बच्चे latent heat का मतलब, यानी कि हमने क्या किया, हमने एक heat supply की, एक hidden heat है, ठीक है, हमने जब सप्लाई की तो ये क्या किया, इसने टेम्परेचर राइज नहीं किया, इसने क्या किया एक स्टेज को दूसरी में चेंज कर दिया। अब बच्चे यहाँ ये आपको याद नहीं रखना, अकेला लिक्विड ही होगा इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, इसमें सॉलिड भी आता है, वो मैं इसके एग्जांपल में डिस्कस कर देता हूँ जो इसके टाइप्स आते हैं। तो बच्चे समझ आ गया होगा इतना, चलो हम इसको आगे करते हैं थोड़ा। अब बच्चे जब इसके हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स में आते हैं बच्चे एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पहले ये वाले डिस्कस कर लेते हैं वेपोराइजेशन। बच्चे एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसकी दो है, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और दूसरे की बात करें वो ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो बच्चे क्या है, इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें क्या है जो भी हमने पढ़ा था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है यानी कि क्या करेगी, लिक्विड से किस में चेंज करेगी, वेपर, और बच्चे ये क्या करेगी, सॉलिड से किस में चेंज करेगी। तो पहले हम इसको डिस्कस कर देते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। तो बच्चे इसे हम क्या कहते हैं, हीट कंज्यूम एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कन्वर्टेड लिक्विड फॉर्म जो क्या कर रही है बच्चों, जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पे जो हीट कंज्यूम हो रही है वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और बच्चे इसकी हम बात करें ये क्या है, ये है बच्चे हीट कंज्यूम एट द बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी ये बच्चे मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट पे जो हीट कंज्यूम होती है वो कौन से होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सब्सटेंस दैट कन्वर्ट सॉलिड फेज या सॉलिड फॉर्म टू लिक्विड। ये था बच्चा आपका टॉपिक लेटेंट हीट का, यानी कि जहां आपको फ्यूजन मिले तो आपको सिर्फ ये याद रखना है जो सॉलिड से किस में चेंज कर दे, लिक्विड में, और वेपोराइजेशन में लिक्विड से वेपर में, हो जाएगा। चलो अब बच्चे एक टर्म और आती है इसके अंदर, वो कौन सी है,
सब्लिमेशन। कौन से टर्म है बच्चों? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है बच्चों? सब्लिमेशन में क्या है, जो हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड को हमने डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दिया, यानी जो सॉलिड हो किसमें कन्वर्ट हो जाए डायरेक्टली गैस में, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो बच्चे हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ए सॉलिड सब्सटेंस, कन्वर्टेड इनटू गैस फेज, ठीक है, ये इसको बच्चों हम वेपर फेज ही बोल सकते हैं, वेपर फेज, विदाउट ऑब्टेन या ऑब्टेनिंग फेज। जो बच्चे सॉलिड से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाए? गैस में, और वो क्या करे? जो लिक्विड स्टेज है वो उसको ऑब्टेन ना करे, यानी कि सॉलिड से क्या बनता है पहले? लिक्विड, फिर गैस। इसमें सॉलिड से क्या बनेगा? गैस बनेगा, जबकि लिक्विड नहीं बनेगा। अब बच्चे हम बात करें इसके एग्जांपल, इसके एग्जांपल कौन से होंगे, कुछ आइडिया? तो बच्चे एक तो सुना होगा ओडोनिल, और जितने आपके रूम फ्रेशनर टाइप होते हैं, ओडोनिल भी एक तरह से रूम फ्रेशनर है, ये रहती है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें और कौन सी होती है, जैसे हम बोलते हैं एक जो कपूर की गोलियां होती हैं, ठीक है, और एक और होता है जिसे नेफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं, वो भी सेम काम करती है, लिख सकते हैं नेफ्थलीन नेफ्थलीन्स बॉल्स हो गई, कैम्फर, कैम्फर बॉल्स। बच्चे जो कैम्फर होता है इसी को हम कपूर की गोलियां कहते हैं, ठीक है। और एक चीज और होता है जो आपके ज्यादा पूछते हैं, वो कौन सा बच्चों? अमोनियम क्लोराइड। कौन सा बच्चों? अमोनियम क्लोराइड। ये वो सॉलिड है, ये वो सॉलिड है जो क्या करते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं। एक हम इसे इसके अंदर ड्राई CO2 भी कंसिडर करते हैं, ड्राई CO2 या जिसे हम बोले सॉलिड CO2 बोल देता हूँ, सॉलिड CO2, इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ठीक है। ये भी क्या करती है बच्चे? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है। अब बच्चे जो ये प्रोसेस है, यानी कि हम ये कहते हैं कि हम कैसे करते हैं, क्या कुछ रहता है सेटअप, क्योंकि आपके क्या होगा इसमें जो सब्लिमेशन है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ कि वो किस टाइप का आता है। तो वो देखो बच्चों, जो क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि आपको एक मिक्सर दिया गया है, ठीक है, मिक्सर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड NaCl, आपको ये मिक्सर दे देते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, इसको बच्चे हम बोलते हैं, ये लिख लेना अगर किसी को नाम ना पता हो, अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या बच्चों? सोडियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड और ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका मिक्सर दिया है, ठीक है, फिर कहेगा हाउ विल यू सेपरेट, हाउ विल यू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, जो ये सॉल्ट हम इसको एक दूसरे सेपरेट कैसे करेंगे? तो बच्चे ये भी क्या होता है, इसमें हम क्या यूज करेंगे? बाय यूज ऑफ सब्लिमेशन। ये इसमें कैसे होगा बच्चे देखो, एक हम क्या लेते हैं, एक ऐसी या जिसको हम थोड़ा सा और ऐसे बना दें, बच्चे ये होती है एक साइनाइडिस, ठीक है, ऐसी होती है जिसे हम बोलते हैं साइनाइडिस, जिसे
चाइना डिश जिसे चीनी मिट्टी के जो बर्तन कहते हैं, इसके ऊपर बच्चे हम क्या करते हैं, एक ऐसी एक लेयर रखते हैं, लेयर किसके बच्चे, ये होते हैं फिल्टर पेपर के, ठीक है। इसके ऊपर हम फिल्टर पेपर रखते हैं और इस फिल्टर पेपर के अंदर हम होल कर देते हैं पेन से ऐसे करके, यानी कि इसमें हमने क्या किया, इसमें होल कर दिया। इसके अंदर हम ये मिक्सर रख देते हैं, मिक्सर ऑफ सॉल्ट। उसके बाद बच्चे हम क्या करते हैं, यहाँ एक फनल रख देते हैं, यानी कि यहाँ हमने क्या रख दिया, हाँ ठीक है, ये क्या होगी बच्चे, फनल है, यहाँ हम एक फनल रख देते हैं, ठीक है। तो ये एक फनल है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉटन प्लग रख देते हैं। अब जैसे हम बच्चों क्या करेंगे, ये किस पे, एक वायर गेज पे है, ये वायर गेज है, इसके नीचे हम बर्नर फ्लेम ऑन कर देते हैं, यानी कि ये क्या होगा, एक टाइप से बर्नर जो क्या कर रहा है, इसको फ्लेम दे रहा है। तो बच्चे इसको हम बंसन बर्नर कहते हैं, इसको हम वायर गेज कहते हैं। जब बच्चे हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये आपके पास जो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड है, ये क्या करेगा, दो है, अमोनियम क्लोराइड और NaCl। अमोनियम क्लोराइड क्या है, यानी कि सब्लिमेशन शो करता है, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। जब इसे हम हीट करेंगे, डायरेक्ट वेपर बनाकर ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर चिपक जाएगा, जो फिल्टर पेपर है इसके ऊपर जाकर चिपक जाएगा, क्योंकि ठंडा हुआ वहीं डिपॉजिट हो जाएगा। नीचे क्या बचा रह जाएगा बच्चे, आपका NaCl जो ये है, इसे फिर हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं। और ये आपके क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हम अमोनियम क्लोराइड और NaCl को कैसे सेपरेट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना करते हैं, बाकी जो चीज़ें बची हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।